दमंगों की दमंगई चरम पर, भरे चौराहे पर मारपीट, बाप बेटी के साथ। मामला ललितपुर जिले के मेहरोनी का। बांध पर चौराहे की घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। आपको बताते चले कि ललितपुर में कुछ दिनों से लगातार इस प्रकार की मारपीट की घटनाएं बड़ी हैं, जिसको लेके ललितपुर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर त्यौहार को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई, पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए गए, क्यों सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया गया, ये सवाल खड़े होते हैं। ललितपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार आखिर कौन? जिन लोगों के साथ मारापीटी छेड़ाछाड़ी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन? आखिर चौराहे पे कोई भी गुंडा इस प्रकार से छेड़ाछाड़ी करेगा, विरोध किया जाएगा तो मारापीटी की जाएगी, और इतनी ज़्यादा मारापीटी की जाएगी कि उसकी हालत गंभीर हो जाएगी। मेहरोनी की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती और मेहरोनी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आप कर क्या रहे? इन गुंडों को किसने लाइसेंस दे दिया खुलेआम गुंडई करने का? क्या आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह गया? आम महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं? इन होली के हुड़दंगों ने शराब पीकर जिस प्रकार से मारपीट की है, वो सवाल खड़े करती है कि मेहरोनी पुलिस आखिर कर क्या रही थी? क्यों हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई थी? ललितपुर से लेके मेहरोनी तक इस प्रकार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और इसका जिम्मेदार क्यों? ललितपुर एसपी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित थाना क्षेत्र के जिस पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहिए, और इन गुंडों इन माफियाओं को बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से बच्चियों के साथ छेड़ाछाड़ी का मामला सामने आया, मारा पीटी का मामला सामने आया है, और खुलेआम दहशत फैलाने का प्रयास मेहरोनी में किया गया है, एक साफ साफ बताता है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था अब चल रही है और तो गुंडागिर्दी कैसी हो रही है। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।